हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के 17वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग, यानी श्रद्धा के विभाग। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला है, क्योंकि जीवन किस तरीके से है ना प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होता है। जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी भोजन है, जो हमारा यज्ञ है, जो हमारी तपस्या है, जो हमारा दान है, ये सारे के सारे इस तरीके से तीन गुणों में हम देख सकते हैं, इसे विभाजित कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सीखने को है इस अध्याय में। हमने पिछले 2-3 अध्याय में देखा कि प्रकृति के तीन गुण कैसे होते हैं, कैसे हम उनके ऊपर उठ सकते हैं। पर हमारे जीवन में जितने भी कार्य हैं, चाहे वो हमारी श्रद्धा हो, चाहे हमारा भोजन हो, हमारा यज्ञ हो, हमारा दान हो, है ना, दान को लेकर बहुत लोग जिज्ञासा रहती है उनकी कि किस तरीके का हमें दान करना चाहिए, हमारी तपस्या हो। तो ये इस अध्याय में हम सब देखेंगे कि किस तरीके से ये तीनों भी प्रकृति के तीन गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं और किस तरीके से हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं। तो क्या पूछते हैं अर्जुन? अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विदिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था कि जो असुर लोग होते हैं वो शास्त्रों का खंडन करते हैं, वो शास्त्रों को नहीं मानते। तो अर्जुन क्या पूछ रहा है कि कुछ लोग हैं वो अपने मन से पूजा करते हैं ना, कोई भी विधि लगाते हैं, पर असुर नहीं है, उनके मन में श्रद्धा होती है। असुर क्या करते हैं? असुर तो शास्त्रों का खंडन कर देते हैं, उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं होती। पर अर्जुन यहाँ पे प्रश्न उन लोगों के बारे में पूछ रहा है जिनके मन में श्रद्धा होती है, पर वो शास्त्रों के अनुसार जो है वो कार्य नहीं करते, वो अपने मन से काम करते हैं। तो उनकी निष्ठा का क्या होता है ना, ये पूछ रहा है अर्जुन। क्या उनकी श्रद्धा भी तीन गुणों से प्रभावित होती है? तो आजकल हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से विधि बना लेते हैं ना, अपने मन के मुताबिक। जैसे आप देखेंगे कसाई की दुकान में क्या रहता है, माँ काली की तस्वीर टंगी रहती है ना, वो उसकी पूजा करता है। पान की दुकान में हम देखते हैं कि किस तरीके से वो शिव जी की मूर्ति लगाए रखता है ना, शिव जी की पूजा करता है। तो क्या लोग कहते हैं, क्या शिव जी ने नशा किया, शिव जी ने विष पिया, हम भी करेंगे? पर शिव जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है ना कि तुम भी पियो। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं और भौतिक फायदे के लिए प्रार्थना करते हैं। तो भगवान पहले क्या बता चुके हैं कि वो लोग कहाँ जाते हैं, देवताओं के लोक को जाते हैं, पर देवताओं के लोक में भी जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो लगा रहता है। ब्रह्मा जी के लोक तक हमने देखा कि जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है, क्योंकि ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत का सबसे उच्च लोक है, पर वहां भी जन्म मृत्यु जारी है। जैसे हम देखते हैं कि जो जेल होते हैं ना, कारागार, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग ग्रेड के हो सकते हैं। जैसे किसी फर्स्ट क्लास जो ए ग्रेड जेल है, उसमें क्या होगा, उसमें एसी भी लगा पाएगा, उसमें आपको हो सकता है अच्छा खाना मिले, तो वो आपके घर जैसा हो। फिर बी ग्रेड जेल होता है, बी ग्रेड जेल में क्या होता है, उसमें एसी नहीं है, उसमें फैन है ना, और खाना जो है वो ठीक ठाक आपको मिलता है। फिर सी ग्रेड जेल में क्या होता है, सी ग्रेड जेल में एसी भी नहीं है, फैन भी नहीं है, और उसमें क्या होता है, खाना भी समय पे नहीं मिलता, और हो सकता है उसमें कई लोगों को एक साथ रहना पड़े, है ना, जो आपस में लड़ते रहते हैं। तो जेल ही होती है ना। इसीलिए ब्रह्मा जी तक के जितने लोग हैं वो सारे जन्म मृत्यु से प्रभावित होते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि ऐसे लोगों का क्या होता है, जो असुर तो नहीं है, उनके अंदर श्रद्धा है, तो क्या उनके भी जो श्रद्धा है वो तीन गुणों से प्रभावित होती है? तो भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान वाचा, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तामशिनो। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो अर्जुन ने क्या पूछा कि जो शास्त्रों को नहीं मानते उनकी श्रद्धा तीन गुणों से प्रभावित होती है, क्या वो भी तीन गुणों से प्रभावित होते हैं? तो भगवान ने क्या जवाब दिया, हाँ, उनकी श्रद्धा तीन गुणों से प्रभावित होती है। तो जो मन माने ढंग से पूजा करते हैं उनकी श्रद्धा तीन गुणों से प्रभावित होती है, जो शास्त्रों को नहीं मानते उनकी श्रद्धा जो है वो प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होती है। जैसे कि हम देखते हैं क्या कि जो रजोगुण से प्रभावित होते हैं वो क्या करते हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं और उनसे नौकरी, है ना,
अच्छे बिजनेस, अच्छे व्यापार, अच्छा पति, अच्छी पत्नी और न जाने क्या क्या मांगते हैं। तो उनके अंदर श्रद्धा है पर वो रजोगुण से प्रभावित है ना, उनको भौतिक लाभ चाहिए। और रजोगुणी क्या करते हैं इस श्रद्धा के लिए, वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, बस उन्हें भौतिक लाभ दे दो। जैसे क्या, कितना ज्यादा कठिन उपवास कर लेते हैं ना, कितनी सीढ़ियां भी चढ़ लेते हैं, वो कहते हैं ना कि मेरा ये काम पूरा करवा दो, मैं आपके पास दंडवत करता हूँ आऊंगा, मैं दंडवत फेरी लगाऊंगा, मैंने जाना जाने कितनी सीढ़ियां चढ़ूंगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं रजोगुणी होते हैं, जिनको देवी देवताओं से भौतिक लाभ चाहिए और उन भौतिक लाभ के लिए वो बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम भी करते हैं। जैसे फिर क्या होता है तमोगुणी, तमोगुणी क्या करते हैं, उनकी भी श्रद्धा जो होती है वो क्या करते हैं, वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, हम आगे देखेंगे। और वो क्या करते हैं, वो अंगारों पे चलने को तैयार हो जाते हैं, है ना, हम देखते हैं अपने शरीर को भी भेज देते हैं, पर उनसे कह दो कि भगवान का नाम ले लो तो वो नहीं लेंगे। तो ऐसे लोग जब तक भक्तों के संपर्क में नहीं आते तब तक उनका कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए गुरु शास्त्र और भक्तों का संग बहुत ज्यादा जरूरी है। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो जिस गुण में होगा उसकी श्रद्धा वैसी होगी। तो जब तक वो शुद्ध भक्त के संपर्क में नहीं आएगा तब तक उसका ऐसा ही चलता रहेगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं ध्रुव महाराज, तो ध्रुव महाराज ने क्या किया था, वो पहले रजोगुणी में थे, क्यों, उन्हें राज्य चाहिए था। पर जब वो जंगल जाते हैं, उनकी माँ कहती है कि तुम्हें अगर राज्य चाहिए तो वो भगवान ही दिला सकते हैं, तो वो जंगल जाते हैं ना, तो रजोगुण में रहते हैं उस समय। पर वहां पे क्या होता है, शुद्ध भक्त से उनकी मुलाकात होती है, कौन, नारद जी, नारद मुनि से उनकी मुलाकात होती है, उसके संपर्क में आते हैं। फिर क्या होता है, उनकी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो क्या कहते हैं भगवान को, कि मैं तो कांच के टुकड़ों को लिए आपकी तपस्या कर रहा था, अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब तक शुद्ध भक्त के संपर्क में हम नहीं आते तब तक हमारी श्रद्धा जो है वो तीन गुणों से प्रभावित होती रहती है। और उसके अनुसार क्या करते हैं, उसके अनुसार हम विशेष देवी देवताओं के पास जाते हैं और अपनी खुद की विधि के अनुसार उनकी पूजा करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, नशा करने वाले क्या करते हैं, जो भांग पीते हैं वो क्या करते हैं, वो शिव जी के पास जाते हैं, पर शिव जी ने तो कहीं नहीं कहा है ना नशा करो। तो इसको कहते हैं हम तमोगुणी श्रद्धा। फिर भगवान क्या कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूतागणाश्चान्य यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो जो सतोगुणी होते हैं वो क्या करते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो सतोगुण में रहते हैं, वो बाकी दो गुणों से ऊपर है, और वो देवता के पास जाते हैं। पर वो देवता के पास जाते हैं किस लिए, क्योंकि उन्हें भौतिक लाभ चाहिए, है ना। वो क्या मांगते हैं भगवान से, वो देवताओं से मांगते हैं कि मुझे धन दे दो, दौलत दे दो, पुत्र दे दो, अच्छा पति दे दो, अच्छी पत्नी दे दो, शक्ति दे दो, और ज्यादा शक्तिशाली बना दो। तो जो सतोगुणी होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा भगवान से, देवताओं से जाके मांगते हैं। रजोगुणी क्या करते हैं, वो यक्षों या राक्षसों की पूजा करते हैं, जैसे कुबेर, है ना। कई लोग भी हम देखते हैं जो नेता बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, उन नेताओं की भी पूजा करते हैं, क्यों, जिससे उनको भौतिक लाभ, उनको संपत्ति मिल सके। और तमोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं, वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि काला जादू करते हैं कितने लोग, है ना, तो वो तमोगुणी श्रद्धा वाले लोग होते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें दूसरों का नुकसान चाहिए, वो अपना नुकसान भी करते हैं पर दूसरों का नुकसान भी करते हैं। पर भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि फलम पुष्पम और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इन चार चीजों से मैं खुश हो जाता हूँ। तो भगवान तो है वो तो बहुत ज्यादा सरल भक्ति से खुश हो जाते हैं। पत्रम यानी उन्हें एक तुलसी का पत्र चढ़ा दो, पत्रम पुष्पम उन्हें एक फूल चढ़ा दो, फलम एक फल चढ़ा दो, तोयम यानी पानी। तो भगवान तो आपसे बहुत ज्यादा कुछ डिमांड नहीं करते, है ना, कि हम सीढ़ियों पर चढ़ें, हम बहुत ज्यादा परिश्रम करें। पर फिर भी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इसमें हम आगे की स्लाइड में चर्चा करेंगे, वो क्या करते हैं, वो देवी देवताओं के लिए इतना ज्यादा कड़ा परिश्रम करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा
शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं वे असुर कहे जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो पूरे शास्त्रों के विरुद्ध ही काम करते हैं और उसके कारण क्या होता है, शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट भी पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम इच्छा से प्रेरित रहते हैं ना, उनको कुछ चाहिए, इसलिए अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट भी पहुंचाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जितना उदाहरण है, रावण है ना, हिरण्यकश्यपु, तो रावण ने क्या किया, रावण ने पूरा कैलाश ही उठा लिया। हिरण्यकश्यपु को आप देखिए पहले चित्र में, उसने इतनी ज्यादा कठिन तपस्या करी, कितने सालों तक करी है ना, जिसे ब्रह्मा जी को खुश कर पाए कि उसके शरीर में दीमक तक लग गए। आप चारों उसके देख सकते हैं ना, दीमक ने उसके शरीर को खा भी लिया, इतनी ज्यादा उसने कड़ी तपस्या करी और अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट भी पहुंचाया। ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि वो पूरे विश्व पे राज करना चाहता था, इसलिए उसने अपने शरीर को बहुत ज्यादा यातनाएं दी। तो क्या किया, उसने ब्रह्मा जी को खुश किया और क्या मांगा, ब्रह्मा जी से उसने मांगा कि मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि मैं खुद भी अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता। तो उसने बहुत ज्यादा चतुराई लगाई और क्या कहा कि ठीक है, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में, ना बाहर ना अंदर, है ना, ना इंसान से, ना जानवर से, ना देवता से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना जमीन में, ना आसमान में। उसने अपनी पूरी बुद्धि लगाई और जब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तो उसको लगा कि वो अमर हो गया। और फिर क्या हुआ, जैसे उसे शक्ति मिली तो बहुत ज्यादा हाहाकार मचाने लग गया, है ना, हर जगह उसने बहुत लोगों को यातनाएं दी, है ना, उनको दुख पहुंचाया। पर अंत में क्या हुआ, अंत में भगवान जो है खंबे से निकल के नरसिंह रूप में उसका वध कर देते हैं। तो अंत में क्या होता है, जितनी भी भौतिक चीजें मांग लो, है ना, पूरे विश्व पे राज कर लो, पर आपको अंत में दुख ही मिलता है और आपका सर्वनाश हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ लोग मिट्टी में अपना सर, है ना, दबाए हुए हैं, तो शरीर को ये जो कष्ट दे रहे हैं, तो भगवान क्या कहते हैं कि शरीर के भीतर जो परमात्मा है, जो हमारे अंदर परमात्मा है, उनको भी कष्ट पहुंचता है। तो ये जो है, ये हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान खुद बोल रहे हैं कि मुझे कष्ट पहुंचता है। तो जैसा हमने चर्चा करी कि भगवान तो कहते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी चढ़ा दो, मैं खुश हो जाता हूँ। तो फिर ये लोग इतनी कड़ी तपस्या क्यों करते हैं देवी देवताओं को खुश करने के लिए, इसमें हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। आपके क्या विचार है, आप हैंड रेस करके बता सकते हैं कि अगर भगवान को खुश करना इतना आसान है कि हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, एक तुलसी के पत्र से, एक पुष्प से, एक फूल से और पानी से ही हम श्रद्धा पूर्वक भगवान को चढ़ाएं तो भगवान खुश हो जाते हैं, तो फिर ये देवी देवताओं के लिए इतनी ज्यादा तपस्या क्यों करते हैं कि अपने शरीर को इतना कष्ट देते हैं, है ना, आप देखें दीमक भी लग गया शरीर में, तो ऐसा वो क्यों करते हैं। जी माता जी, हरे कृष्ण। जिग्ना माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा मानना है कि ये ऐसे भक्ति करते, ऐसे जैसे दिखावा करते हैं कुछ पाने के लिए, पैसा हो या फिर यश हो, या फिर जिस लोगों की अटेंशन लेने के लिए। जी माता जी, ठीक है, पर जैसे हम शरीर को आप देखिए कि शरीर को अपने सिर को ही जमीन में उसने घुसेड़ दिया, तो इसमें इतना कष्ट अपने शरीर को पहुंचा रहे ना, तो इसमें, और जो पहले आप देखेंगे हिरण्यकश्यपु जाके उसने जो इतनी कड़ी तपस्या करी, वो तो अलग कहीं जाके करते हैं जहाँ लोग नहीं रहते आसपास, तो वो इतने अपने शरीर को कष्ट क्यों पहुंचाते हैं। भगवान तो कहते हैं कि मेरी भक्ति बहुत ही ज्यादा सरल है। ठीक है, हम साहिल प्रभु जी से पूछते हैं। हरे कृष्णा साहिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, इतने मैं चैट में पढ़ता हूँ। साहिल प्रभु जी ने चैट में लिखा है, सॉरी, कि भाव के साथ नहीं करते, मतलब के लिए करते हैं। जी प्रभु जी ने एक पॉइंट रखा है, अच्छा। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं ऐसा करके वह दिखावा करना चाहते हैं कुछ पाने के लिए। मोटवानी प्रभु जी कह रहे हैं ये तमोगुण में है इसलिए कष्ट देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कारण है, इसमें हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्रियंका माता जी कह रहे हैं वो भक्ति नहीं करते, वो किसी मटीरियल मोटिव से करते हैं। माता जी ने बहुत ही सटीक पॉइंट रखा है। आलोक प्रभु जी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि भगवान सिर्फ परमात्मा जन्म फलम, अच्छा, उन्हें ज्ञान नहीं है कि भगवान सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम तोयम से खुश होते हैं। बलबीर सिंह कह रहे हैं, बलबीर सिंह प्रभु जी की शॉर्ट कट लेते हैं। प्रभु जी ये तो लॉन्ग कट हो गया ना, ये तो शॉर्ट कट नहीं हुआ, फॉर सम अनवांटेड एम। एल कुमार प्रभु जी कह रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो जवाब है बहुत ही ज्यादा सरल है कि भगवान जो है वो हमें भौतिक चीजें नहीं देते, वो हमें भक्ति देते हैं।
क्योंकि अगर भौतिक चीज देंगे तो फिर तो हम तो और ज्यादा फंस जाएंगे संसार में। वो क्या करते हैं, वो हमारे हमें भक्ति देते हैं, पर जो असुर लोग होते हैं उन्हें भक्ति नहीं चाहिए, उन्हें भौतिक लाभ चाहिए। और भगवान हमें भौतिक लाभ नहीं देते, क्योंकि भौतिक लाभ अगर हमें देंगे भगवान तो क्या होगा, तो हम इस भौतिक संसार में फंसे रह जाएंगे। इसलिए उन्हें भक्ति में कुछ भी रुचि नहीं रहती, उन्हें सिर्फ भौतिक लाभ चाहिए, है ना। इसलिए वो देवी देवताओं के पास जाते हैं और इतनी ज्यादा कड़ी परिश्रम करते हैं। शंकर सिंह प्रभु जी ने भी सही जवाब दिया, तो आप लोगों ने सही जवाब दिया। ठीक है, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये था अभी तक की जो हमारी तपस्या होती है, जो हमारी श्रद्धा होती है, वो कैसे तीन गुणों में आ सकती है। अब हम देखते हैं कि भोजन, है ना, जो हमारा भोजन है वो कैसे तीन गुणों में आ सकता है। तो आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान है और हम अपने जीवन से इसे बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो भगवान ने क्या कहा कि सात्विक भोजन जो है वो कैसा होता है, वो आयु बढ़ाने वाला होता है और जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, और उससे क्या होता है, उससे हमें तृप्ति मिलती है। हम खाते हैं तो हमें उससे तृप्ति मिलती है। जैसे आप देख सकते हैं दाल, है ना, चावल, रोटी, दूध, फल, फ्रूट, तो ये सब आता है सात्विक भोजन में। अब आगे भगवान क्या कहते हैं, अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे आप हमें बताएं, आप चैट में भी लिख सकते हैं, अरे प्रभु जी आया, नामनिष्ठ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, उनको मैं कोहोस्ट बना देता हूँ। जी प्रभु जी, आपको कोहोस्ट मैंने बना दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, सॉरी टू डिस्टर्ब। नो प्रभु जी, टुडे इज लास्ट, सेकंड लास्ट डे। तो प्रभु जी, आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस यू इफ यू अलाउ मी। या हरे कृष्णा। तो हमारे साथ अभी नामनिष्ठ प्रभु जी हैं। प्रभु जी इस्कॉन मंगलुरु के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, और प्रभु जी IIT कानपुर से अपनी बीटेक की पढ़ाई करके, जैसा मैंने बताया था, इंफोसिस में कुछ दिनों उन्होंने नौकरी करी, पर उनका रुझान भक्ति की ओर था और प्राय प्राय अब 3 दशक से प्रभु जी भगवान की सेवा कर रहे हैं, और ये कोर्स जो है ये उन्हीं ने चालू किया, और अब ये 26वां बैच हम कर रहे हैं, 26 महीनों से ये कोर्स चल रहा है। तो प्रभु जी का हम स्वागत करते हैं, उन्हें धन्यवाद प्रणाम करते हैं। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, मैं आपका 10 मिनट चाहता हूँ बस, थोड़ा मंदिर की तरफ से आपको इनवाइट करने आया था। ओके, ये हमारा श्री श्री राधा गोविंद का मंदिर है, आप सबको आमंत्रित करता हूँ, जरूर आइए। अभी जन्माष्टमी का बहुत बड़ा उत्सव हमारा 18, 19, 20 तारीख को होगा। एक्चुअली तो रजिस्ट्रेशन तो बंद हो गया, तब भी आप 1-2 दिन और जो किसी को निर्णय ले लीजिए, बिकॉज हमको ना अकोमोडेशन भी सब अरेंज करना है आपके लिए। तो बहुत बड़ा उत्सव है जन्माष्टमी का, 3 दिन का, इसमें सुबह से शाम तक फंक्शन रहेगा। साथ में हम आपको सुबह सुबह मैंगलोर में जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, उड़पी जैसे, उनका भी दर्शन करेंगे हम लोग। ये आपके आपके कुछ लोग यात्रा फुल कर रहे हैं, कुछ लोग 2 दिन का छोटा यात्रा भी कर रहे हैं, आप देखिए जैसा आपको कन्वीनियंट हो। ये आपको डिटेल्स पहुंच जाएंगी जन्माष्टमी। अगर हम आपको मदद करना चाहते हैं बड़े फेस्टिवल के लिए, बहुत सारी सेवा है, कलर सेवा है, तरह तरह की 500 रुपीज से लेके आगे तक की सेवा है, जो आप करना चाहें आराम से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बच्चों का कंपटीशन है, आपके छोटे बच्चे जन्माष्टमी का ऑनलाइन घर बैठे ही आप बच्चे आपके जन्माष्टमी के तरह तरह के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी डिटेल्स आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। ये हमारा मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा, ये देखिए बड़ा जमीन है जहाँ पे अभी मंदिर का कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है, और मंदिर का कंस्ट्रक्शन तो फिर पैसा लाखों में हर महीने खर्च होता है, तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कंस्ट्रक्शन में भी।
ये बहुत सुंदर मंदिर हम आप एक साल के अंदर रेडी कर लेंगे, ठीक है। करीब 1.5 एकड़ का जमीन में 75,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो आप लोग सब यहाँ वेलकम टू पार्टिसिपेट इन दिस। सो और जो फॉरेन डिवोटीज हैं वो मेरे को जरा मेल लिख देना, उनको थोड़ा मैं गाइड करना पड़ेगा हाउ टू गिव डोनेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी, किसी को कुछ प्रश्न है? सब लोग यू आर एंजॉयिंग द क्लासेस? अगर कोई प्रभु जी से बात करना चाहता है आप हैंड रेस कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी? लेवल 2 के लिए जो दो टीचर आएंगे सदाचार के लिए, तो आपके जाह्नवी माता जी हैं, एंड फॉर लेवल 2 के लिए आप महालक्ष्मी से कॉन्टेक्ट करके फाइनल कर लीजिए टीचर, एंड कल ही कैन कम एंड वी कैन इंट्रोड्यूस हिम, ठीक है जी प्रभु जी। तो आप सब अनम्यूट करके प्रभु जी को हरे कृष्णा भी बोल सकते हैं, कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी मंत्र का जाप करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है। एक बार महामंत्र इकट्ठा जब करेंगे सब लोग जी, अनम्यूट करता हूँ, सब अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को। ओके, हरे कृष्ण। यस उदय जी, आपका कुछ प्रश्न था? हरे कृष्ण उदय। मंदिर में आने के लिए जन्माष्टमी उत्सव में मैं हम मंगलोर आ रहे हैं अपनी समिति के साथ 4 दिन के। आप ऑलरेडी आ रहे हैं, वेलकम जी। टिकट कर लिया है, अकोमोडेशन बुकिंग कर लिया है, बट अभी तक उधर से कंफर्मेशन नहीं आया कि कहाँ हुआ है वो। डोंट फिकर, वो फिकर नहीं करें, कर देंगे आपको। अभी टाइम है, अभी विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स, ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ प्रश्न है? चलते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी क्लास के बीच में आए, आई विल टेक यू। नमस्कार प्रणाम प्रभु जी, हमारा सौभाग्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभी लीव गए माता जी, ठीक है। तो हम क्लास शुरू करते हैं दोबारा। तो आप सबका सौभाग्य कि नामनिष्ठ प्रभु आए क्लास में। ठीक है, तो हम भोजन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हाँ, तो हम मेरा आपसे प्रश्न था कि आपसे मेरा प्रश्न ये था कि जो भगवान कहते हैं अत्यधिक तिक्त खट्टे नमकीन गर्म चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों के प्रिय होते हैं, तो आप ऐसे भोजन का उदाहरण दे सकते हैं? आप हैंड रेस करिए, आप अपने चैट में लिख सकते हैं कि ऐसा कौन सा भोजन होता है जो कि भगवान जैसा बताते हैं वैसा होता है, जो रजोगुणी भोजन है ना। भगवान कहते हैं कि ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं जिसे रजोगुणी भोजन कहते हैं। तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा भोजन होता है आपके आपके विचार में, ऐसा कौन सा भोजन हो सकता है जो रजोगुणी है? हरे कृष्णा उदय प्रभु जी। नहीं, आप सीमा माता जी। हरे कृष्णा जी। मांसाहारी भोजन को भी हम लोग उस श्रेणी में ला सकते हैं। मांसाहारी भोजन प्रभु जी हम आगे चर्चा करेंगे, मांसाहारी भोजन यहाँ नहीं आता है इस श्रेणी में, हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। सीमा माता जी से हम पूछते हैं। हरे कृष्णा सीमा माता जी। अधिक मिर्च मसाले वाला और अधिक तेल वाला भोजन रजोगुण में आता है। जी 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 माता जी। हरे कृष्णा। अमित प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जितने भी खाने जिनमें बहुत ज्यादा मसालेदार हो और नमक मिर्च ज्यादा हो वो सारे रजोगुणी भोजन में आते हैं। जी जी, तो थोड़ा उदाहरण देके बताएं प्रभु। जैसे मान लीजिए हम गोलगप्पे खाते हैं या चाट खाते हैं या तीखा अचार खाते हैं मिर्ची का। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही बताया। सिद्धि माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
जैसे आजकल बहुत ज्यादा पिज्जा चल रहा है, चीज है, मैदा का बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है, तो ये सारे के सारे रजो उसमें जाते हैं, जो उसमें स्वाद बहुत ज्यादा है लेकिन गुण बहुत कम है। जी, और जैसे सबने बताया मसाले वाले चीजें, नमकीने भी, जो जो हम बहुत स्वाद लेके चटकारे लेके खाते हैं, वो सारे रजो में आते हैं, रजो गुण में आते हैं। और सात्विक में सिंपल होता है, एकदम ताजा खाना होता है, और जिसमें और टेस्ट भी बहुत होता है, और जो भोग लगाया होता है भगवान को, वो सात्विक में आता है। जी माता जी, आपने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। पीसी प्रभु जी, माता जी, आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, पीसी प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। प्रभु जी, जो भोजन का भोग लगा हुआ भोजन होता है, सात्विक भोजन होता है, वही सबसे अच्छा होता है। ओके ओके, ठीक है प्रभु जी। साहिल प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, माता जी ने ऑलरेडी बोला है, बट मेरा आंसर भी वही था, फास्ट फूड हो गया, क्योंकि उसको खा के तो आपको अच्छा लगता है, बट उससे बीमारियां उतनी जल्दी आती हैं, जितने जल्दी हम खाते हैं हमारा शरीर उतनी जल्दी उसके अगेंस्ट जाता है, तो इसलिए। जी, धन्यवाद प्रभु जी। चैट में भी मैं पढ़ लेता हूँ, बहुत सारे जवाब आए हैं, पिज्जा, चाउमीन, फास्ट फूड, बेकरी फूड, अत्यंत तीखा मसाले वाला, मोमो, चाउमीन, बर्गर, फास्ट फूड, चाइनीज फूड, चाट, पानी पूरी, लहसुन प्याज वाले भोजन, ऑयली फूड, समोसा, पकोड़ा, ठीक है, गोलगप्पे, ऑल पैकेज्ड फूड, अंकित प्रभु जी कहते। तो आप सबने सही जवाब दिया है। तो ये जो रजोगुनी खाना होता है, ये क्या होता है, ये हम खाते हैं, हमें स्वाद आता है, पर हमारी तृप्ति बिल्कुल नहीं होती है ना, पेट भर जाता है पर तृप्ति नहीं होती, तो इसके कारण क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर पानी पीते हैं, फिर खाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। फिर आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप तेल कम करिए, मिर्च मसाला कम करिए, है ना। तो भगवान तो यहाँ पे खुद ही कह देते हैं कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, ये जो है रजोगुनी है, जो हमें दुख, शोक तथा रोग देता है, तो हमें डॉक्टर का बोलने का इंतजार नहीं करना है, भगवान ने पहले ही बता दिया। तो भगवान जो भी बताते हैं बहुत ज्यादा व्यवहारिक और सत्य बताते हैं, तो हमें जो है अपने शरीर को बचाना है इन सब भोजन से। फिर क्या है, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी हैं। तो अभी तक हमने देखा कि वो राजसी क्या है, सात्विक क्या है, अब भगवान तामसी भोजन के बारे में बताते हैं। तो तामसी भोजन क्या होता है, इसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है ना, जो सड़ा हुआ होता है और खाने से 3 घंटे पहले बनाया हुआ जो भोजन होता है। साथ ही भगवान कहते हैं झूठा और अस्पर्श वस्तु से युक्त, तो जो ऐसी चीजों के स्पर्श में आ जाता है जो फिर हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे हमने देखा था है ना कोरोना काल में, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है, उसने अगर उसे खाने को छुआ है तो फिर हम उसे नहीं खाएंगे। इसी तरीके से कोई गंदे स्थान में रखा हुआ व्यक्ति, या मान लीजिए किसी जानवर ने उसमें मुंह लगा दिया हो, तो ऐसे अगर वो अस्पर्श चीजों के युक्त के संपर्क में आता है तो उसे हमें जो खाता है उसे कहते हैं तामसी भोजन, है ना। हम ये भी देखते हैं कि कई कंट्रियों में ऐसे चीज मिलते हैं जिसमें जो है कीड़े लगे रहते हैं पर फिर भी वो उसे खाते हैं, है ना। आप देख सकते हैं कासू मार्जू करके होता है, उसमें जीवांत कीड़े होते हैं और लोग उसे बड़े ही अच्छे से, बड़े ही शौक से खाते हैं। तो ये जो होते हैं रजोगुनी और तमोगुनी, ये खाना हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसे क्या होता है, इससे हमारा शरीर भी खराब होता है और हमारी चेतना भी खराब होती है। तो आप ऐसा एक उदाहरण हमें दीजिए तामसी भोजन का, तामसी पदार्थ का, जो बहुत ज्यादा है ना फेमस है पर लोग जानते हुए भी उसका जो है सेवन करते हैं, ऐसा कौन सा एक तामसी पदार्थ है। जिग्ना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मीट प्रोडक्ट्स यानी कि मांस वगैरह जो खाते हैं वो डेफिनेटली तामसी ही होता है ना। जी, सबसे बड़ा तामसी प्रोडक्ट मेरे ख्याल से तो यही होता है। जी माता जी, ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा फेमस है ना प्रोडक्ट, भगवान कहते हैं सड़ा हुआ खाना, तो लोग जानते हैं कि वो सड़ा हुआ है फिर भी उसका सेवन करते हैं। सॉरी मधुलिका माता जी, आपका हैंड भूल से डाउन हो गया, आप अपने आप पर म्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। वही हम भी ये बोलने वाले थे कि नॉन वेज जितने तरह के भी होते हैं सारे ही तामसी फूड के होते हैं।
जी। और इसके अलावा जो फर्मेंटेड वाले रहते हैं वो भी तामसी फूड में काउंट होते हैं, वो सब भी जी 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 तो आ जाते हैं बैक्टीरिया तो जी माता जी जी ब्रो जी ठीक है, फर्मेंटेशन है बैक्टीरिया, पर उसमें जैसे अब दही है ना, दही जो है वो सात्विक है, फ्रेंडली बैक्टीरिया जी 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 ठीक है। तो हम एक दो और हैंड रेज लेते हैं फिर हम चैट में पढ़ेंगे। अमित प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी जितने भी पैकेज आज के डेट में नगेट्स होते हैं खास करके, तो आज तो ऐसा बुरा हाल है हमारा कि घर में गेस्ट भी आते हैं तो हम पैकेज नगेट्स और फ्रेंच फ्राइज ले आके फ्राई करके उनको दे देते हैं। जी जी जी। और प्रभु जी मेरा एक सवाल है, यहाँ पे आज ज्यादातर लोग हम लोग वर्किंग है तो हमारा खाना क्या होता है सुबह सुबह ही बन जाता है जी। और हम टिफिन में ले जाते हैं तो 3-4 घंटे तो ऑब्वियसली वो पार हो जाता है उस लोग का जी। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं जी प्रभु जी, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। एक हैंड हम और लेते हैं, हमारे पास समय कम है। धर्मेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। जैसे आप बता रहे हो बहुत फेमस सड़ा हुआ खाना है, जानते हुए भी हम लोग खाते हैं, तो मेरे ख्याल से पिज्जा हो सकता है गुरु जी। पिज्जा भी सड़ा के ही सड़े हुए पदार्थ का बनाया जाता है। जी 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 गुरु जी, पिज्जा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। तो अभी हम देखते हैं चैट में, चैट में कई लोगों ने कहा है फास्ट फूड, पैकेज फूड, अनियन गार्लिक पिज्जा, बर्गर, मांस, मैगी, अंडा, पिज्जा, इडली डोसा। इडली डोसा कह रहे हैं प्रभु जी, ठीक है। नॉन वेज, पैकेज मीट। तो आप सब ने एक जो बहुत ही फेमस, जो आजकल के समय में प्राय हर घर में जिसका सेवन हो रहा है, वो है मदीरा, है ना। मदीरा आप सब भूल गए बताना, शराब है ना। शराब का अर्थ होता है क्या? शराब का अर्थ होता है, उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है सड़ा हुआ पानी। आब यानी पानी, शर यानी सड़ा हुआ, सड़ा हुआ पानी उसका नाम ही है शराब। पर फिर भी हर घर में, है ना, प्राय हर घर में आज उसका सेवन हो रहा है। तो ये भगवान कहते हैं सड़ी हुई चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो भगवान ने अभी तक हमारी श्रद्धा के बारे में बताया, हमारे भोजन के बारे में बताया, अब भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। कि अब तक हमने क्या देखा कि जो यज्ञ है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, भगवान क्या कहते हैं, नाम जप, है ना। पर जो यज्ञ है वो भी 3 तरीके के हो सकते हैं। तो जो सतोगुणी जप होते हैं वो होते हैं शास्त्रों के अनुसार, इसमें भौतिक लाभ की कोई भी इच्छा नहीं रहती। और कलयुग में इसलिए भगवान ने क्या कहा है कि जो बुद्धिमान होते हैं वो कौन सा यज्ञ करते हैं, संकीर्तन यज्ञ, है ना। और यही हमारा युग धर्म भी है। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है तुमसे राजसी जानो। अब कई लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कराते हैं, क्यों, जिससे उनको भौतिक लाभ मिले, है ना, जिससे उनकी प्रशंसा हो। लोग कहें अच्छा ये तो बहुत ज्यादा धनवान है, इसने इतना बड़ा यज्ञ करवाया। लोग अपनी तारीफें चाहते हैं, अपनी प्रशंसा चाहते हैं। जो ऐसा करते हैं उस यज्ञ को राजसी कहते हैं। और जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किए जाते हैं वह तामसी माने जाते हैं। तो तामसी यज्ञ क्या होता है, जो अपनी मर्जी से करते हैं, कोई शास्त्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई प्रसाद नहीं, कोई पुरोहित नहीं, कोई दक्षिणा नहीं। तो भगवान हमें 3रे अध्याय में क्या कहते हैं कि भगवान को अर्पित करके ही हमें सब कुछ खाना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे हमारे हम पाप मुक्त हो जाते हैं। पर तमोगुणी क्या करते हैं, तमोगुणी भगवान को कुछ भी अर्पित नहीं करते। तो यहाँ पे रावण क्या कर रहा है, आप देखिए, उसने यज्ञ किया, उसने गर्दन काट काट कर भगवान को अर्पित किया, शिव जी को अर्पित किया, है ना। क्यों, क्योंकि उसकी भौतिक इच्छा थी, वो संसार को भोगना चाहता था। पर उसने 10 सिर काट के जिस लंका को हासिल किया, विभीषण ने 1 सिर झुका के उसे हासिल कर लिया। तो अंत में रावण को दुखी झेलना पड़ा। तो जो लोग भौतिक इच्छा से कुछ भी करते हैं उन्हें अंत में दुख झेलना पड़ता है, पर जो लोग भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं उनके लिए जो है सुख ही सुख है। इसलिए विभीषण ने भगवान के आगे 1 सिर झुकाया और उसे वही लंका प्राप्त हो गई। तो जो समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो सीधे भगवान की शरणागति होते हैं। अब भगवान जो है क्या बताएंगे, हमें तपस्या के बारे में बताएंगे।
तो हमने श्रद्धा के बारे में देखा, भोजन के बारे में देखा, फिर पिछले इसमें हमने देखा कि हमारी जो यज्ञ होते हैं वो कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे तपस्या के बारे में। देव द्विज कुरु प्राज्ञान पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्चते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो जो तपस्या है वो तीन तरीके की हो सकती है, शारीरिक, मानसिक और वाणी की तपस्या। शरीर से जो हम तपस्या करते हैं, मन से जो हम तपस्या करते हैं और अपनी वाणी से जो तपस्या करते हैं। तो इस श्लोक में, 14वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं सत्वगुण की तपस्या जो शारीरिक है ना। तो क्या बता रहे हैं कि जो भगवान की सेवा करते हैं, जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, अपने माता पिता की, अपने गुरु की सेवा करते हैं, वो सत्वगुणी कहलाता है ना। वो क्या करते हैं, बहुत ही सरल जीवन जीते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो गृहस्थ हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही संबंध रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये हुआ शारीरिक तपस्या सत्वगुण में। फिर भगवान क्या बताते हैं, अनुद्वेकरम वाक्यम सत्यम प्रियतिम च यत स्वाध्याय भयसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्यों का नियमित पारायण करना, यह वाणी की तपस्या है। तो शारीरिक तपस्या हमने देखी, अब आ रहे हम वाणी की तपस्या में। तो ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है आज के परिवेक्ष में, है ना। हम देखते हैं कि सारी लड़ाइयां जो होती हैं, क्यों इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया। तो वाणी की तपस्या हमें अपनी जिंदगी में उतारनी चाहिए। तो क्या है, सच्चे वचन बोलने चाहिए। फिर क्या है, मान लीजिए हमने सच्चे वचन बोले पर उससे सामने वाले को दुख हो गया, उसे कष्ट हो गया, तो क्या वो तपस्या है? नहीं। क्यों? भगवान कहते हैं सच्चे भाने वाले, तो उसे भाना भी चाहिए। तो आप ऐसे बोले उसे सच कि उसे खराब ना लगे। तो मानो कोई फिल्म देख के आता है और अपने दोस्त को उसने सारी फिल्म जो है सच सच बता दी, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, तो उसने सच भी बोला, सामने वाले को वो जो है भाया भी, तो क्या ये हुई हमारी वाणी की तपस्या? नहीं। क्यों? भगवान आगे क्या बोलते हैं, हितकर, उसके लिए हितकारी भी होना चाहिए। तो पिक्चर में क्या हुआ, मूवी में क्या हुई, उसको सुन के उसके लिए कोई भी हितकारी नहीं है। तो हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए जो सच्चे हों, सामने वाले को भाएं, है ना, उसे चुभे नहीं, और उसके लिए हितकारी भी हो। तो ये जो है ये वाणी की तपस्या कहलाती है। तो ये करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि अगर हम सच बोलते हैं तो हो सकता है उसके लिए हितकारी ना हो, अगर हम उसके लिए हितकारी बोलते हैं तो हो सकता है उसे चुभ भी जाए। तो हमें बहुत ही सावधानी से इस तपस्या में आगे बढ़ना है कि हम सच भी बोलें, उसे भाए भी, और उसके लिए हितकारी भी हो। तो ये कला जिसने सीख ली है ना, वो बहुत सारे मित्र बना सकता है। जैसे हम देखते हैं नेताओं को, है ना, कितना अच्छा बोलते हैं, जितना ज्यादा अच्छा बोलते हैं उतने ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम इसे वैदिक साहित्यों को उच्चारण करके कर सकते हैं, भगवद गीता पढ़ के कर सकते हैं, भागवतम पढ़ के कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। तो हमें रोज जो है कम से कम आधे एक घंटे शास्त्र पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, वैसे हमें शास्त्र भी पढ़ने चाहिए। रोज कम से कम आधा एक घंटा हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो यही वाणी की तपस्या है। फिर मन की तपस्या क्या है, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो हमने शारीरिक तपस्या देखी, फिर हमने देखा मन की तपस्या, फिर हमने देखा वाणी की तपस्या। अब भगवान क्या कहते हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरे अफलाकांक्ष भेदयुक्ते सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो जो हमने अभी तपस्या देखी, शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या और मानसिक तपस्या, ये सात्विक तपस्या कहलाती है ना। तो देखते हैं हम भक्त जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं ना, परिक्रमा लगाते हैं, भगवान की लीला स्थली देखते हैं, गोवर्धन यात्रा पे जाते हैं, मायापुर धाम जाते हैं, तो ये भौतिक लाभ के लिए नहीं जाते, इनमें उनका कोई भौतिक लाभ नहीं है ना। अगर वो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो इसमें उनका कोई भौतिक लाभ नहीं है, तो वो भगवान के लिए करते हैं। तो इसे कहते हैं हम सत्वगुणी तपस्या। फिर भगवान क्या कहते हैं, अब यहाँ पे राजसी तपस्या के बारे में बताते हैं। सत्कर्मान पूजार्थम तपोदम्बेन चेवयत् क्रियते तद ही प्रोक्तम राजसम चलम अद्रुवम।
जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी यानी रजोगुनी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है और ना शाश्वत। तो इसमें क्या है, जैसे लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही कड़ा व्रत कर रहा हूं, है ना, मैंने ये किया, क्यों? क्योंकि उन्हें सम्मान चाहिए कि लोग मेरा सम्मान करें, मेरी प्रशंसा करें, वो दिखावे के लिए करता है। तो ये जो भाव होता है ये रजोगुनी भाव होता है, उसे फल मिलता है। भगवान कहते हैं वो फल का अधिकारी है पर वो शाश्वत नहीं होते, है ना, वो टेम्पररी होते हैं और लंबे समय में लॉन्ग टर्म में उसे नुकसान ही पहुंचाते हैं। जैसा हमने देखा जो असुर लोग तपस्या करते हैं वो सब कुछ मांगते हैं पर अंत में उनसे सब कुछ छिन जाता है। तो तमोगुनी तपस्या क्या होती है, मूढ़ ग्राहनाथ मनोयत पीड़या क्रियते तपः परयस्योत सदनार्थं वा तत्तामसं उदारितम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो कई लोग क्या करते हैं, तपस्या करते हैं जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा शक्ति भी अर्जित करना चाहते हैं, अलग अलग प्रयास भी करते हैं। जैसे हमने देखा हिरण्यकश्यप है ना, क्यों तपस्या पूरी करता है, जिससे वो स्वर्ग पे, है ना, स्वर्ग पे अटैक कर सके, स्वर्ग को जीत सके, और उसने ऐसा किया भी और उसने ऋषि मुनियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। रावण क्या करता है, रावण तपस्या के बाद बहुत ज्यादा ऋषि मुनियों को परेशान भी करता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को तो पीड़ा देते ही है दूसरों को भी पीड़ा देते हैं, तो ऐसे तप को कहते हैं तमोगुनी तप। अब यहाँ पे भगवान दान के बारे में हमें बताएंगे कि किस तरीके से इन तीनों गुणों से हमारा दान भी प्रभावित हो सकता है। तो भगवान क्या कहते हैं, दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में हर किसी कोई ना कोई दान जरूर करता है, तो हमें ये देखना है कि हमें कैसा दान करना है और कौन से दान से हमें नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो सत्वगुणी दान होता है वो क्या होता है, उचित समय में उचित व्यक्ति को और अपना कर्तव्य समझ के किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं ये कौन सा दान है हम चर्चा करेंगे। यत तु प्रत्युपकार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दियते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी या राजस कहलाता है। तो कई लोग सोचते हैं कि इसके बदले मुझे कुछ मिल जाए, ना आज दे रहे हैं कल कोई मेरा भी भला करेगा। अगर हम प्रत्युपकार की भावना से करते हैं तो वो रजोगुणी दान कहलाता है। और भगवान क्या कह रहे हैं, अनिच्छा पूर्वक। तो कई बार क्या होता है, हम अपने मित्रों के साथ कोई मंदिर जाते हैं, कहीं घूमने गए, तो कोई दान करते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती है पर हम देखते हैं कि नहीं सारे कर रहे हैं, सारे मेरे मित्र दान कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप बिना इच्छा के वो दान करते हैं, तो वो जो है वो सारे दान जो है रजोगुनी दान कहलाते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। तो आप जैसे फोटो में देख सकते हैं यह व्यक्ति गरीबों को कुछ सब्जी दे रहा है पर साथ में वो अपनी फोटो खींच के फेसबुक पे भी डाल रहा है जिससे लोग उसकी प्रशंसा करें, तो ऐसे दान को हम कहते हैं रजोगुनी दान। तो तमोगुनी दान क्या होता है, आदेश काले यद दानम पात्रे बश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदारितम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर के दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो गंदी जगह हम दान देते हैं ना, जैसे जहां गलत काम हो रहे हो अनुचित समय में, तो या जल्दी या बाद, है ना, मान लीजिए कि गर्मी है पर आपने उसे कंबल दान में दे दिया, तो अनुचित समय में आपने उसे दान दिया, जो लायक नहीं था उसे दे दिया। जैसे चित्र में आप देख सकते हैं ये नशा करने के लिए दान मांग रहा है तो ये लायक नहीं है, आपने इसे दान दे दिया और बिना आदर के, है ना, जैसे आप गाड़ी से जाते जाते आपने फेंक के दान दे दिया, तो बिना आदर के दिया हुआ दान जो है वो भी तामसी कहलाता है। या हमने उसे कुछ कह दिया कि आपको शर्म नहीं आती, आप भीख मांग रहे हैं, इस तरीके का अगर हम कुछ कह देते हैं तो वो तामसी दान कहलाता है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, कुछ उदाहरण दूंगा, आप अपना हैंड रेस करके बताइए या आप चैट में भी लिखिए कि ये कौन सी कैटेगरी का दान है, ठीक है। तो उदाहरण क्या है,
एक व्यक्ति है, वो किसी के जन्मदिन में जाता है, उसे गिफ्ट देता है ना, और वो क्या सोचता है मन में कि मैं आज इसे बहुत ही अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अगली बार जब मेरा जन्मदिन होगा तो वो मुझे वापस गिफ्ट देगा। तो ये दान कौन सा दान है साहिल प्रभु जी? रजोगुण प्रभु जी, रजोगुण। जी बहुत ही सही जवाब दिया, सब चैट में भी कह रहे रजोगुण, क्योंकि उसे वापस पाने की इच्छा थी। ठीक है, अब मैं अगले उदाहरण में आता हूँ, तो हम नए लोगों को चांस देंगे। अब नया उदाहरण क्या है, जैसे कोरोना काल था तो एक व्यक्ति ने क्या किया, दान दिया, और उसने अपनी सेल्फी ले ली और फेसबुक पे लगा दिया जिससे कि लोगों को पता चले और वो उसकी तारीफ करें, है ना। तो ये दान कौन से दान में आता है, हाथ आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। जी मधुलिका माता जी, हरे कृष्णा। ये दान पे रजोगुण का आता है, राजसी दान कहलाएगा। जी जी, धन्यवाद। सब रजो कह रहे, ये भी रजो है, ये तमो नहीं है। तमो इसलिए नहीं है क्योंकि उससे इच्छा है कि मेरी प्रशंसा हो, है ना, इसमें तमो का कोई भी गुण नहीं है। अब हम तीसरे उदाहरण में आते हैं, तो आप बताइएगा। तीसरा उदाहरण ये है कि हम एक रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा हमें गरीब दिखते हैं ना, भिखारी दिखते हैं, वो हमसे पैसा मांगते हैं और हम उन्हें पैसा दे देते हैं, और उस पैसे से वो जाके नशा करते हैं, तो ये दान कौन सा है? हरे कृष्णा, वंदना माता जी। वंदना माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, तमोगुण में आता है। जी जी जी, तमोगुण, ठीक है माता जी, सब तमोगुण चैट में भी लिख रहे हैं। चरण सिंह राणा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये तमोगुण में आता है। जी जी जी, ठीक है, हम इस पे सब लोगों ने तमो कहा, आप सबने सही जवाब दिया, ये तमोगुण का दान है। क्यों? क्योंकि हमने अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान के दिया और उसका गलत इस्तेमाल हो गया, है ना। हो सकता है हम उनसे पूछ सकते थे कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, आपको कपड़े चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको दवाई चाहिए, है ना, क्या आपके बच्चों की स्कूल की फीस है। जितना हमें हो सके हमें पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर उस पैसे का गलत इस्तेमाल होता है, अगर कोई उसे नशा करता है, कोई उसे टेररिस्ट फंडिंग भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, तो उसका पाप हमें भी लगता है। तो दान देते समय हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए कि जो हम दान दें तो हम सही जगह पे दान दें, पर हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम गाड़ी से जा रहे हैं तो हम फेंक के दान दे दें, प्रेम से आदर पूर्वक हमें दान देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अपने घर का एक्स्ट्रा सामान निकाल के दान देते हैं ना, जो सामने वाले को चाहिए भी नहीं, जैसे हमने देखा गर्मी में कंबल दे दिया, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए, सोच समझ के हमें दान देना चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा भगवान के कार्यों में दान देना चाहिए, क्योंकि जो अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाते हैं उनको दान देंगे तो वो दान का सदुपयोग ही होगा, भगवान का सदुपयोग होगा, और जब भगवान तुष्ट होंगे तो हम अपने आप तुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे भगवान जो है वो हमें बताएंगे कि सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो कई लोग कहते हैं कि दान से भी तो हम तीन गुणों में बंध जाते हैं ना, कई लोग ऐसा कह सकते हैं, पर भगवान क्या बताते हैं, यज्ञ तपस्या दान जो भी हमने सीखा उसके समय हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। तो जब हम दान करते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम तपस्या करते हैं, तो हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। तो जब भी पहले हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो हमें उसको क्या बोलना चाहिए, ओम तत्सत, है ना। इसका अर्थ क्या है हम देखते हैं, आप याद रखिए ओम तत्सत। तो भगवान क्या कहते हैं, अतएव योगिचन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम मतलब विष्णु, ये सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक वचनों की शुरुआत में रखा गया है। तो सबसे पहले हम दान दें या तपस्या करें या यज्ञ करें, उससे पहले हमें क्या बोलना चाहिए, ओम। ओम मतलब होता है भगवान विष्णु, इसलिए भगवान कहते हैं ना कि मंत्रों में मैं ओमकार हूं, इस संसार का मैं माता पिता हूं। तो हमें ओम शब्द से कोई भी कार्य का इस्तेमाल, कोई भी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। तो जब हम उस कार्य को संपन्न कर रहे होते हैं तो हमें तत् शब्द कहना चाहिए, और हमारे अंदर बिल्कुल भी फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए।
चाहे वो यज्ञ हो, चाहे तप हो, चाहे दान हो। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है, क्योंकि हमें भव बंधन से मुक्त होना है ना। आप बहुत ज्यादा दान तप यज्ञ कर सकते हैं, पर अगर आप फल की इच्छा चाहेंगे तो आप अपने आप को बांध रहे हैं। मानो पैसे दे के आप कारागार खरीद रहे हैं ना, आपने पैसे दिए कि मुझे कारागार में बंद कर दो, तो ऐसे पैसे दे के क्या लाभ। आप पैसे देंगे मुक्त होने के लिए। तो हमें जब दान करना है, यज्ञ करना है, तप करना है, तो हमें बिल्कुल भी कर्म फल की इच्छा नहीं करनी है। और उसे करते समय कहना है तत्। तत् का अर्थ क्या होता है? तत् का अर्थ होता है कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान है आपका। ठीक है, मैं आपको आपका चीज अर्पित करता हूं। तो भगवान की सेवा में ही हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने बार बार उदाहरण दिया गंगा जल का ना, गंगा के पानी को हम गंगा में ही अर्पित करते हैं। तो हमारा पानी थोड़ी है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है। तो हम अगर ऐसा करते हैं तो ना हमें पुण्य लगते हैं और ना पाप लगते हैं। तो जैसे हमने उदाहरण भी देखा था, राजा नृग है ना, इतने बड़े दानी थे, हजार हजार गाय सुसज्जित करके दान में देते थे, पर एक गलती हुई और अगले जन्म में चिपकली बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फल की इच्छा करी थी। तो हमें फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी और तत् कह के उसे संपन्न करना है। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरीके की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत होता हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ शाश्वत हैं। तो सत यानी शाश्वत। तो हमने देखा ओम यानी विष्णु, तत् यानी सब आपको अर्पित करते हैं, सत यानी शाश्वत। तो भौतिक इच्छा से अगर हम करते हैं तो उसका हमें लाभ मिलता है, पर उसे क्या होता है, हमें पुण्य मिलता है, पर जब पुण्य खत्म होते हैं तो वापस हम जो है भोग करने लग जाते हैं और वापस हमें दुख मिलता है। पर शाश्वत लाभ अगर हमें पाना है तो हमें भगवान के लिए उसे करना होगा, क्योंकि भगवान शाश्वत है, जीवात्मा भी शाश्वत है, तो उनसे जो संबंध है वो भी शाश्वत है। और भगवान से हमारा क्या संबंध है? भक्ति का संबंध है। तो भक्ति की गतिविधियों में ही हमें दान करना चाहिए। अगर हम भक्ति की गतिविधियों में दान करते हैं तो वो शाश्वत कहलाता है। जैसा हमने देखा कि भगवान की सेवा में जो भी दान करें, है ना, जैसे कोई वैष्णव है वो मंदिर में रहते हैं, मंदिर चलाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, बहुत सारे उत्सव करते हैं, वैष्णवों को खाना खिलाते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, तो ये सारे दान शाश्वत हैं और ये सारे सतोगुण में आते हैं, क्योंकि ये भगवान की सेवा में लगते हैं और इसका दुरुपयोग होने का कोई भी मौका नहीं है। तो सबसे पहले भगवान का स्मरण करना है, हमें कहना है ओम, फिर उसे संपन्न करते समय हमें कहना है तत्, और फिर उसके बाद कहना है सत, है ना, यानी इसका फल भक्ति में शाश्वत हो। तो भगवान आखिरी श्लोक में क्या कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद इत्य उच्यते पार्थ नाचा तत्प्रेत नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो अगर ओम तत्सत की भावना नहीं होगी तो क्या होगा, उसके फल हमें मिलेंगे, और फल मिलेंगे तो या इस जन्म में या अगले जन्म में हमें उसे भोगना ही होगा। तो अंत में हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीन गुणों से पार हो जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो हमने देखा कि जो रजोगुण में पूजा करते हैं ना, वो और ज्यादा भोग करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप रजोगुण में अगर पूजा करेंगे तो आपको फल मिलेगा, आप और ज्यादा भोग करेंगे, आप बंधन में बंधते जाएंगे। पर हम जब भगवान की शरण में जाते हैं तो हम माया के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि हम बिना स्वार्थ के भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसलिए हमें साधु और गुरु और शास्त्र की शरण में जाना चाहिए। तो शुरू में क्या होता है, शुरू में हमारी बद अवस्था होती है, पर धीरे धीरे हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है, और यही वास्तविक सुख है, शाश्वत सुख है।
क्योंकि कोई भी शाश्वत यानी परमानेंट चीज हमें अशाश्वत यानी टेम्पोररी चीज से नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इस अध्याय में हमने क्या देखा, हमने देखा कि अनधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन की पूछताछ, फिर भगवान ने उसे उत्तर दिया, फिर तीनों गुणों में भोजन हमने देखा खाद्य पदार्थ, फिर तीन गुणों में किस तरीके से हमारे यज्ञ आते हैं, तपस्या किस तरीके से तीन गुणों में आती है, फिर तीन गुणों में तपस्या के प्रकार हमने देखे क्या मन से वाणी से और शरीर से, फिर तीन गुणों में हमने दान देखा कि किस तरीके से जो हम दान करते हैं वो रजोगुनी तमोगुनी और सतोगुनी हो सकते हैं, और फिर हमने देखा ओम तत्सत यानी यज्ञ दान तपस्या को सर्वोच्च को अर्पित करना चाहिए। तो इससे हमारा यह अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्ण। अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई सुझाव है तो आप हमें बता सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण साहिल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये प्रश्न अभी थोड़े टाइम पहले किसी प्रभु जी ने पूछा भी था, मेरे दिमाग में भी था तब, आपने बोला था बाद में चर्चा करेंगे, वो था खाने को। मैं भूल गया मैं बताता हूँ। जी जी जी। तो आजकल ये है कि लोग कहते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं ना और सुबह हम खाना बना के ले जाते हैं तो 3 घंटे से पहले बन जाते हैं। तो इसमें आचार्य सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि जब हम सुबह खाना बना के ऑफिस लेके जाते हैं तो हमें उसे भगवान को भोग लगा देना चाहिए ना। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उसे प्रसाद बन जाता है, फिर जब वो प्रसाद बन जाता है तो हम उसे खा सकते हैं प्रभु जी, हम उसे रात तक खा सकते हैं। तो हमें ऐसा सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, फिर वो भोजन सिर्फ भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं नॉर्मली वैसे, बट ये सुन के जैसे मैंने पढ़ा था, मैंने शाम को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये थोड़ा अलग सा लग रहा है जी, कि नॉर्मली तो आजकल ऐसे ही होता है जी। और प्रभु जी इसमें, हाँ, इसमें जहाँ ज्यादा भक्त रहते हैं ना वो क्या करते हैं, जैसे कहीं आपके ऑफिस में भक्त हैं काफी, तो वो फिर अरेंजमेंट करते हैं उसी हिसाब से, फिर वो उसी हिसाब से दिन में भोजन बनता है, भगवान को भोग भी लगाते हैं फिर। पर जहाँ पे संभव नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है पॉसिबल, तो वहाँ पे आप भोग लगा के भगवान को लेके जाएं और प्रसाद फिर आप पूरे दिन ग्रहण कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी मेरे दो और प्रश्न हैं। जी प्रभु जी। एक प्रश्न ये है कि हम जब माथा टेकते हैं, मतलब इस्कॉन में शायद है कि हम लेट के हार्ट की तरफ करते हैं शायद, बट उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है कि हम टुवर्ड्स जी जी जी। नहीं प्रभु जी, इसमें क्या है, इस्कॉन में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं जो प्रभु जी होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका सर है ना, आपका छाती, आपके कंधे, आपके भुजा, आपकी जांग, आपके पैर सारे जमीन पे छूते हैं। इसे जो है, इसे हम है ना पूरी तरीके से, जैसे हम भगवान के आगे नतमस्तक है तो ये वो है कि हम पूरी तरीके से आपके आगे नतमस्तक है, तो इस तरीके से पूरा साष्टांग प्रणाम किया जाता है। अब माताएं जो है वो आधा अर्ध साष्टांग जिसे कहते हैं वो प्रणाम करते हैं, तो वो पूरे साष्टांग नहीं करते हैं, तो जैसे हम नॉर्मल मंदिरों में करते हैं माताएं वैसे करती हैं, तो उसका भी कारण है प्रभु जी। जी नहीं मतलब हार्ट, हम हार्ट की तरफ भगवान जिस तरफ है हम उस तरफ हार्ट करके लेटते हैं, मतलब सीधा जैसे नॉर्मली हम हर जगह पे सीधा लेटते हैं, तो जनरली हाँ हम जब इस्कॉन में करते हैं तो हमारी बाईं ओर अर्च विग्रह रहते हैं, चाहे प्रभुपाद जी को अगर आप करते हैं तो भी, भगवान को करते हैं तो भी, तो क्योंकि हम जैसा कहते हैं, आपने कहा कि भगवान कहते हैं ना हृदेश अर्जुन तिष्ठति, कि मैं हृदेश यानी रीजन ऑफ द हार्ट में रहता हूँ, तो इसीलिए जो है बाएं में अर्च विग्रह को लेके करते हैं। पर कहीं कहीं हो सकता है कि मंदिरों में ऐसा जगह ना हो तो उसमें फिर उल्टा भी करते हैं प्रभु जी, ऐसी बात नहीं, कहीं कहीं सीधा भी करते हैं, पर जब अगर है जगह, अगर वो व्यवस्था है तो भगवान को अपनी बाईं ओर रख के करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन ये था, कल एक प्रश्न किया था माता जी ने कि 10 वैष्णव पाप कौन से होते हैं। जी जी। तो उसमें ये था कि अगर आप ध्यान से, शायद नोवा आपने बताया था कि अगर ध्यान से नहीं करते हैं भगवान का सिमरन तो वो भी एक वैष्णव पाप है, वो 11वां हो जाता है प्रभु जी, जिसमें कहते हैं भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है जी। तो बट वो आज के टाइम में इतना, क्योंकि बंदा इतना है नहीं कि वो उस हिसाब से कर सकता है, तो मतलब हम वो भी पाप ही कर रहे हैं एक तरह से।
अपराध है प्रभु जी, पर हमें कोशिश करनी, इसीलिए हम पहले ना माला जपते हैं तो भगवान से हम जो है पंचतत्व मंत्र कहते हैं, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने ध्यान को लगाएं मंत्र में जब हम जाप कर रहे हैं। तो जैसे नामनिष्ठ प्रभु कहते हैं कि अगर हम बिना ध्यान के कर रहे हैं नाम जप तो हमारे अपराध क्षमा होते हैं, यानी हमारे पाप पाप जो है वो कटते हैं, पर अगर हम ध्यान से करेंगे तो हमें भगवान के प्रति प्रेम प्रेम उत्पन्न होगा। तो अगर हम ध्यान से नहीं करेंगे ना तो हमें प्रेम नहीं मिलेगा, ठीक है, हमारे पाप कटेंगे, हमारे कलमश दूर हो जाएंगे, पर अगर प्रेम चाहिए भगवान के प्रति तो ध्यान से करना पड़ेगा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, तो भक्ति में कार्य करना है तो प्रेम भगवान के प्रति जागृत करना है तो ध्यान, ये तो भौतिक चीजों में भी है ना, अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ चाहिए तो आपको बहुत ध्यान से लगन से करना पड़ता है ना। कई लोग हैं ऑफिस में रहते हैं 13 घंटे 14 घंटे, घर आते हैं सिर्फ सोते हैं चले जाते हैं, तो भौतिक लाभ बहुत ज्यादा उठा पाते हैं। तो इसलिए भगवान की भक्ति में अगर हमें भगवान का प्रेम चाहिए तो हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है, नहीं तो जैसे जो लोग 6-8 घंटे करते हैं तो लिमिटेड सैलरी कमाते हैं, तो हमें ठीक है भगवान का नाम जप कर रहे हैं हमारे कलमश खत्म होंगे पाप खत्म होंगे, पर प्रेम नहीं मिलेगा प्रभु जी। प्रभु जी पर आयरनिकली यही अभी थोड़ी समस्या यही होती है कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकता रहता है करते वक्त भी प्रभु, तो कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन कहता है चंचल में मना कृष्ण, भगवान कहते हैं अभ्यास से तू कौन थे, अभ्यास करो, तो अभ्यास से हम ये कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है, इससे सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, इसे हरे कृष्ण आचार्य कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में करो, जब बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना, बाकी आपको घर में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बच्चे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना, कोई आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, कोई टीवी नहीं चल रहा है, कहीं आवाज नहीं है, तो ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो हम पूरी तरह ध्यान दे सकते हैं। ठीक है प्रभु, और इसे बोलते ना, इसलिए बोलने जब जय पताका महाराज जो है वो बोल के करते थे जोर जोर से ना, क्यों, जिससे हम सुने और हमारा ध्यान उस तरफ लगे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण गौरांग प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसे मेरे घर में ऐसे मिष्ठान हो गया, मीठा हो गया और फल वगैरह ऑफर होता है, लेकिन आपका भोग प्रसादम ऑफर नहीं होता है पका हुआ भोजन, तो हम लोग क्या करते हैं प्रभु जी, जैसे टिफिन वगैरह लेके जाते हैं तुलसी पत्र जो ऑफर करते हैं तो उसके साथ उसको रख के फिर हम लोग लेके जाते हैं, तो ये तो प्रभु जी ये बासी नहीं होता ना फिर तुलसी पत्र अगर डालते हैं तो। जी भगवान का ऑफर क्या हो, तुलसी पत्र है ना प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, तो कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी, तो आप कर सकते हैं प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं चैट में से कुछ ले लेता हूँ माता जी। जी जी प्रभु जी, तो इसमें श्रवण प्रभु जी कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल है तो शिव भगवान की भी कोई उम्र है। नहीं प्रभु जी, जैसे हमने कहा था शिव जी जो है वो जीव तत्व में नहीं आते हैं, वो जीव तत्व से ऊपर हैं। पंचांग प्रणाम दीपक प्रभु जी, हम उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं, धनवत प्रणाम। अच्छा माता जी के लिए, हाँ अच्छा उन्होंने नाम बताया पंचांग प्रणाम। जी प्रभु जी पंचांग प्रणाम कहते हैं, अर्ध साष्टांग भी कहते हैं। उसका भी एक कारण है क्यों ऐसा माताओं को कहा गया, क्योंकि जो धरती माँ है वो कहती है कि मैं, है ना, क्योंकि माताएं जो होती हैं वो दूसरे जीवनों को पोषण प्रदान करती है, तो वो धरती माता कहती है कि मैं वो बोझ नहीं उठा सकती, है ना, तो इसीलिए माताओं के लिए पंचांग प्रणाम आता है। क्या भगवान गुरुजी और माता पिता के सिवा किसी के चरण स्पर्श करने सही हैं? अगर आपके मन में उनके प्रति अच्छा विचार है, आदर भी है और चरण स्पर्श करें तो क्या ये सही है? प्रभु जी चरण स्पर्श तो हम आदर प्रकट करते हैं ना, अगर हम सोचते हैं इसका चरण स्पर्श करूं नहीं करूं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं अहंकार की भावना है, हमसे बड़े हैं तो हमें आदर स्पर्श आदर हम दिखाते हैं, तो चरण स्पर्श करने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इस्कॉन में तो उल्टा होता है, जो आचार्य होते हैं बड़े बड़े वो कभी कभी अपना चरण स्पर्श नहीं भी करवाते हैं ना, क्योंकि कहते हैं कि अहंकार की भावना आती है और न जाने हम किस भावना से चरण स्पर्श करते हैं, तो अगर हमें सामने वाला जो हमसे बड़ा है अगर अपने चरण स्पर्श करने देता है तो उसमें गलती कुछ नहीं, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है प्रभु जी, हमें करने चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं शायद हम अहंकार में है कि हम कि सामने वाला लायक नहीं, हम उसके पैर क्यों छूएं, ऐसा भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। जिग्ना माता जी कह रहे हैं कि मैं जब काम पे जाती हूँ तो ड्राइविंग करते समय 2-3 माला जप करती हूँ,
वरना एक साथ बैठकर करना मुश्किल। माता जी आप ड्राइविंग करते करते अगर माला कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। अगर आप खुद ड्राइविंग करते हैं तो माता जी आप कैसे करते हैं, आप हैंड रेस करके बताइए थोड़ा, क्योंकि ये चीज ठीक नहीं है। अगर आप पीछे बैठे हैं तो बात अलग है, पर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप माला माला के साथ आप कैसे जप कर सकते हैं माता जी, हम आपसे बात करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी एक मिनट, कमला माता जी कह रहे हैं प्याज लहसुन वाला भोजन भोग लगा सकते हैं। जी नहीं माता जी, प्याज लहसुन तामसिक है, हम उसका भोजन नहीं लगा सकते हैं। जी 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 ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। जिग्ना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मैं काम पे जाती हूँ तो कम से कम 30-40 मिनट्स लगते हैं मेरे काम पे पहुंचने में, तो मैं खुद ड्राइविंग करती हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ वो यूट्यूब पे श्रीला प्रभुपाद जी का चैंटिंग जाप है ना, तो मैं वो लगाती हूँ, उनके साथ साथ मैं चैंटिंग करती रहती हूँ। तो एक तरफ से ध्यान तो ऑब्वियसली रोड पे रहता ही है, लेकिन मेरी चैंटिंग भी होती है, क्योंकि मन एकदम साफ होता है उस वक्त ना। और फिर अगर काम पे पहुंच गई या घर पे वापस आ गई तो कुछ ना कुछ काम आ जाता है, तो काम इसमें मैं बैठ के ध्यान से कर नहीं सकती। माता जी अगर आप अपनी कुछ मालाएं ऐसी करते कि मालाएं ऐसी, अगर आपकी कुछ नियम है ना, जैसे आप आपके अगर चार माला के नियम है, पांच माला के नियम, तो अपने नियमों की माला हमें ऐसा करना ठीक नहीं है माता जी। मतलब अगर आप चैंटिंग करते हैं तो आप हमेशा मतलब मालाओं को छोड़ के जो बोनस है ना एक्स्ट्रा, आप कभी भी कर सकते हैं। आप गाड़ी चलाते टाइम जैसा आपने कहा यूट्यूब पे आप चला के कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप टहल रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर जो आपके नियम वाले मालाएं हैं उसे हमें सिर्फ माला करनी चाहिए उस समय और कुछ नहीं करना चाहिए। पर अगर आपके पास समय का अभाव है माता जी तो कम ठीक है, तो आप समय निकालिए। तो अगर जी प्रभु जी ब्रह्म मुहूर्त में करने की एटलीस्ट दो माला तो करती ही हूँ सुबह सुबह, फिर पूरे दिन में कोशिश करती हूँ हो सके इतनी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी कि ऐसा फिर से उसे माला में ना गिने, आप उसे माला में ना गिने जो आप दूसरे कार्य को करते करते, और जब माला नहीं है आपके हाथ में है ना, तो जब आप खाली सुन के कर रहे तो उसको माला में ना गिने, चैंटिंग करें, पर अगर माला है आपके हाथ में तो उसे ही माला में गिने माता जी। पर शुरू शुरू में होता है कि जैसे लोग काउंटर है ना, जब शुरू भक्ति में आते हैं तो हाथ में काउंटर लेते हैं करते हैं, तो ठीक है शुरुआत के लिए गलत नहीं है, शुरुआत के लिए अच्छी है, पर अगर आप गंभीर हैं तो फिर आप माला के बिना की हुई माला को गिने मत गिने। चैंटिंग आप कभी भी करें बहुत अच्छी बात है, बट माला के बिना की हुई माला काउंटिंग में ना लें, जो नियम वाली माला है वैसे आप कभी भी करते रहे, कई लोग काउंटर पे करते रहते हैं ना। ये बात बहुत अच्छी हुई, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण, मैं कोशिश करूंगी। जी जी आप छोड़े नहीं माता जी, ठीक है आप नियम वाली माला हो सकता है नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि आपके पास समय कम है, पर आप चैंटिंग करते रहे, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न थोड़ा अलग किस्म का है जरा, जी मैं थोड़ा कुछ विरोधाभासी बातें करूंगा आपसे, लेकिन मैं थोड़ा मन में कुछ संशय हुआ आपसे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। प्रभु जी जो जैसे हमने गीता का अध्ययन करा ये सब पढ़ा तो ये समझ में आया कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए गीता का अध्ययन बहुत जरूरी है, भवसागर से पार होने का गीता का अध्ययन और वेदों का अध्ययन भागवतम का अध्ययन ये बहुत जरूरी है, मगर ये नहीं समझ में आया कि भौतिक प्रगति के क्यों खिलाफ है गीता, क्यों वो बोलती है कि भौतिक प्रगति की आप मत कीजिए या आप भगवान से मत मांगे कुछ भी भौतिक प्रगति के लिए, इसमें क्या बुराई है? अगर मैं कोई आदमी बहुत अपनी कोई मान लो कोई व्यवसाय कर रहा है, छोटा व्यवसाय कर रहा है और वो भगवान की पूजा भी कर रहा है और ये भी चाह रहा है कि मेरा व्यवसाय बड़ा हो जाए, या मैं जिस आज परिस्थिति में हूँ उससे बड़ी अच्छी परिस्थिति में अच्छे घर में रहूँ मेरा अच्छा जीवन स्तर हो जाए, तो उसमें क्या बुराई है? ये मतलब सभी धर्म जो है भौतिक प्रगति के खिलाफ क्यों है, इसमें क्या खराब है? संसार में अगर आए तो भौतिक प्रगति तो बहुत जरूरी है। देखिए प्रभु जी धन के बिना तो आदमी एक क्षण भी नहीं जी सकता, शायद भक्ति के बिना जी ले वो आदमी, धन के बिना ना संसार में आदमी आ रहा है, सीजेरियन करके बच्चे आ रहे हैं उसके लिए भी 1000 रुपए चाहिए और वेंटिलेटर में मर के जा रहा है उसके लिए 1000 रुपए चाहिए, तो पैसे की आवश्यकता जीवन हर क्षण पे है जन्म से लेके मरने तक, तो वो पैसा तो तभी आएगा जब उसकी भौतिक प्रगति होगी, तो भौतिक प्रगति के खिलाफ क्यों है सब धर्म? मतलब ये क्यों बोलते हैं भौतिक प्रगति मत करो, भौतिक मत करो सिद्धांतिक प्रगति करो,
अध्यात्मिक प्रगति तो ठीक है वो जरूरी है, मैं इसके वो सबसे जरूरी मानता हूँ, मैं और सागर से पार होता वो जरूरी है, लेकिन उससे पहले संसार में जिसमें आए जिसमें रहना है जिंदा रहना है उसके लिए तो भौतिक प्रगति बहुत जरूरी है ना। हम अगर अपनी मेहनत से कुछ काम करके आगे बढ़ते हैं, मैं अपना व्यवसाय आगे बढ़ाता हूँ, मैं कोई कुछ भी काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, उसमें मेहनत करके मैं कोई एग्जाम देकर आगे बढ़ता हूँ, आज मेरी सैलरी मान ली 50,000, मैंने एग्जाम क्लियर करा उससे मेरा पदोन्नति हो गई, मेरी सैलरी 1,00,000 हो गई, तो उसमें क्या खराबी है क्या बुराई है? जी 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 प्रभु जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और आपने पूछा खुल के, कई लोग नहीं पूछ पाते, सबके मन में ये सवाल रहता है और जब सब भक्ति में घुसते हैं तो ये हमेशा उनके मन में रहता है। तो इसमें हमें समझना होगा प्रभु जी दो बातें। पहली बात, पैसे कमाना गलत नहीं है, है ना, मैंने कभी नहीं कहा पैसे कमाना गलत है, गलत है उससे आसक्ति। तो हमें, अगर आपका सवाल का जवाब हमें ठीक से समझना है तो हमें प्रेम और आसक्ति में फर्क समझना है। आसक्ति यानी अटैचमेंट हो जाना, और जब किसी चीज से आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है, तो क्या होता है, तो फिर हम धर्म के राह से भटक जाते हैं। जब हम, जैसा आपने कहा कि मैं मेहनत करके कमा रहा हूं, तो इसमें क्या है, मैं का जो भाव है वो आसक्ति है, क्योंकि आप कर्ता भाव में है, आप सोच रहे हैं मैं मेहनत कर रहा हूं। पर अगर हम बारीकी से समझेंगे, जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि हम नहीं कर रहे हैं ना, जो ये कर्ता भाव, भगवान क्या कहते हैं, प्रकृति है क्रियमानानि गुणे कर्मानि सर्वशा अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के तीनों गुण सारे कार्यों को संपन्न कर रहे हैं, अहंकार विमूढ आत्मा, पर जो विमूढ आत्मा है, हम जो बद्ध है, वो अहंकार में है, हमारे अहंकार है क्या कि मैं कर रहा हूँ, कर्ता हम इति मन्यते कि मैं कर रहा हूँ, पर हम नहीं कर रहे। कैसे हम समझ सकते हैं, जब किसी के जीवन में बहुत बड़ा दुख आता है ना, मान लीजिए आपका छोटा बच्चा है, किसी का भी छोटा बच्चा है, और अचानक से डॉक्टर ने कहा कि इसे तो ब्रेन में ट्यूमर है, अब आप इतने हताश हो जाते हैं, आपके पैसे, आपकी संपदा, आपका परिवार, कोई भी आपकी सहायता नहीं करता, यहाँ तक कि डॉक्टर भी आपकी सहायता नहीं कर सकता, तो फिर आप क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं। आप क्यों ऐसा करते हैं, क्यों आपकी भौतिक प्रगति आपको नहीं सफल कर पा रही उस समय? तो हमें यह समझना है कि भौतिक प्रगति हम करें, पर उससे जो हमें फल मिले, उसे हमें अगर शाश्वत लाभ चाहिए तो उसे भगवान की सेवा में लगाना ही होगा। क्योंकि जब हम उसे भौतिक अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लगाएंगे, अपनी इंद्र तृप्ति यानी मुझे बड़े घर को एंजॉय करना है, बड़ा घर अगर जरूरत है तो बुरी बात नहीं है, किसी का बड़ा परिवार है तो बड़ा घर होना चाहिए, किसी के घर में 10 सदस्य हैं तो 4 गाड़ियां होनी चाहिए। पर अगर हमें आसक्ति होती है, मैं बड़े घर को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं जो है वो मर्सिडीज और BMW बिना नहीं घूम सकता क्योंकि मेरा रुतबा इतना है, तो जब आप आसक्ति करते हैं, है ना, अपने अपने इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, तो क्या होता है, तो आप उसमें फंसते जाते हैं। सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम है कि ये चक्र ऐसा है कि हम उसमें फंसते जाते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा कभी भी खत्म नहीं होगी। जैसे आपने कहा कि सैलरी अगर 50 है, 1,00,000 हो गई, तो जब आप 50 कमाते थे तो 50 कम थे, 1 कमाएंगे तो 1 भी कम रह जाएंगे, अब 1 करोड़ कमाएंगे तो भी वो भी कम रह जाएंगे। तो ये जो भौतिक चीजें होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम फंसते चले जाते हैं, ये एक दलदल की तरह, उससे हम कभी निकल नहीं सकते। आचार्यों ने कभी नहीं कहा कि सब छोड़ छाड़ के चल, हम कभी नहीं कहते हैं, जब इस्कॉन में भगवद गीता जो टीकाएं लिखी गई है, किसी ने नहीं कहा है कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना है। हमने कहा युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य यानी सब कुछ करते हुए सब कुछ भगवान की सेवा में लगाओ। तो सारे नौकरी पेशा है, सारे व्यवसाय भी करते हैं, सब कुछ है, पर भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए, है ना। अभी तो अगर मैं अगर लैपटॉप खरीदता हूँ, मैं मोबाइल खरीदता हूँ, जैसे इस्कॉन में बड़े बड़े प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आईफोन यूज करते हैं, तो कह सकते हैं तो भौतिक प्रगति है, नहीं, उन्होंने उस आईफोन का इस्तेमाल किस लिए किया, भगवान की सेवा के लिए किया। तो युक्त वैराग्य हमें फॉलो करना है, हमें अपने भोगों को कम करना है। अगर हम अपने भोग को कम नहीं करेंगे तो हम उससे जाएंगे, और ये खाली ज्ञान नहीं है, ये हमने देखा भी है। आप अपनी जिंदगी को देख सकते हैं बचपन से लेकर अभी तक, बचपन हम जैसे रहते थे और अभी हम जैसे रहते हैं, हमारी भौतिक संसाधन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ना। हम पहले 10-10 बच्चे एक घर में रहते थे, अभी 2 बच्चे भी एक घर में नहीं रह सकते, जगह छोटी पड़ती है। तो क्या होता है, भौतिक संसाधन बहुत बढ़ गए, पर क्या हम खुश हो पाए, क्या हम सुखी हो पाए, हम खुद ही इस बात का जवाब दे सकते हैं। तो असली अगर शाश्वत खुशी चाहिए हमें, अगर हमें यहाँ से निकलना है, तो हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि आत्मा जो हमारा जीव है उसका भगवान ही कहते हैं, जो भगवान कहते हैं क्या, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, आचार्य कहते हैं। तो हम दास के लिए बने हैं ना, हम भोगने के लिए नहीं बने हैं। जैसे हम भोगने लगते हैं वैसे हमें दुख होता है प्रभु जी, तो ये हमारा स्वभाव है कि हम दास बन के रहें।
ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी मैं एक चीज और जानना चाह रहा था आपसे। जी जी जी। जैसे आज के वक्त में आदमी जो होता है वो मान लो जीवन से बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, कुछ भी बहुत समस्याएं आ रही, सब कुछ हो जाता है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, जीवन कैसे चलाऊं, वो सब समस्याओं में घिरा रहता है, तो वो क्या रास्ता अपनाता है कि मैं तपस्वी बन जाता हूँ, मैं संन्यास, मैं जंगलों में चला जाता हूँ संन्यास अपनी पूजा करने के लिए, सन्यासी बनने के लिए सब, तो क्या ये मार्ग सही है? ऐसे संसार के उससे परेशान होकर जंगल या तपस्या करने बैठ जाओ, क्या मेरी दृष्टि में तो आज के वक्त में गृहस्थी से बढ़कर कोई तपस्वी ही नहीं है, जो गृहस्थी संभाल रहा है वो सबसे बड़ा तपस्वी है, उसको अपनी गृहस्थी भी संभालनी है, गवर्नमेंट सारे टैक्सेस भी देने हैं, जीएसटी भी भरना है, उसको सारे मतलब वो सबसे बड़ी तपस्या कर रहा है, तो जो जंगल में जाके बैठ गया उसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है, उसको वो सब झंझट से मुक्ति पा गया है, वो मरे के समान हो गया, उसको ना गवर्नमेंट की चिंता है ना परिवार की चिंता है, तो उसको मैं तपस्वी समझूं या जो गृहस्थी में जो पूरे घर गृहस्थी को संभाल रहा है और घर गृहस्थी संभालना एक सबसे बड़ी तपस्या उसके लिए, और सारे भक्ति कर्म भी कर रहा है, भगवान को भी संभाल रहा है, यानी कौन कौन बड़ा तपस्वी है, जो जंगल में जाके बैठ गया भगवान संसार से घबरा करके या जो संसार में रह करके तपस्या कर रहा है परिवार? लोग उसकी ज्यादा भान देगा तो जंगलों में चला गया बहुत बड़े तपस्वी बन गए, मैं उसको भगोड़ा समझता हूँ अपनी दृष्टि में, वो तो लगा भगोड़ा संसार से भाग गया, वो तो उसकी संसार को फेस करने की। जी 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 प्रभु जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और भगवान भी ऐसा ही कहते हैं, जब अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि कर्म संन्यास अच्छा है या कर्म योग अच्छा है, तो भगवान कहते हैं कर्म योग अच्छा है, कर्म संन्यास अच्छा नहीं है ना, कर्मों से संन्यास हमें नहीं लेना चाहिए, और जो हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास लेते हैं तो भगवान कहते हैं वो समाज में उत्पात मचाते हैं, तो ये भगवान के शब्द हैं, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं हुआ, जंगल में चले गए, अपने दुखों से भाग गए, है ना, हमने तो पूरी भगवद गीता में यही चर्चा करे, अपने दुखों से भाग गए, पर अभी भी उन्हें भोगने की इच्छा है ना, गुलाब जामुन खाना है उन्हें, पिज्जा खाना है, भोगने की इच्छा नहीं गई है, तो ये उत्पात ही मचाते हैं, तो हृदय की शुद्धि बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो कर्म योग श्रेष्ठ है, कर्म संन्यास नहीं। दूसरा जो आपने कहा कि भक्त जो गृहस्थ वाला, तो भगवान ने कहा है कि सबको अपने कर्म करने हैं, जो भी हमारा स्वधर्म है, जो शास्त्रों में लिखा है ना, जैसे पहले वर्णाश्रम धर्म थे, तो ब्राह्मणों का कुछ धर्म था, क्षत्रियों का कुछ, वैश्यों का कुछ और शूद्रों का कुछ, तो सबको अपने धर्म के हिसाब से, अपने नित्य धर्म शास्त्रों के हिसाब से कर्तव्यों का, नित्य कर्म का पालन करना है, और भगवान कहते हैं अपने कर्मों को त्रुटिपूर्ण ढंग से करना अच्छा है, किससे, दूसरों के कर्मों को करने से, तो हमें दूसरों के कर्म नहीं करने, हमें अपने कर्म को भले ही हम त्रुटिपूर्ण ढंग से करें, तो जो गृहस्थ है उसे अच्छी तरह अपना गृहस्थ की जिंदगी बितानी है, अपने परिवार को भक्ति से जोड़ना है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है, ना कि है ना भौतिक चीजों में लग जाना है, और ना कि अपने लग्जरी को, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाना है, अपनी भौतिक चीजों से दूर होना है, नहीं तो क्या होगा, चीजों के प्रति आसक्ति होगी, उसे वो चाहेगा, और जिस दिन उसे वो चीजें नहीं मिलेंगी उसे गुस्सा आएगा, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और उसका पतन हो जाएगा, है ना, फिर हो सकता है कि वो कुछ गलत काम कर बैठे और जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाए। तो जो आपका पहला प्रश्न है वो आपने खुद ही उसका जवाब दिया कि कर्म संन्यास अच्छा नहीं है, कर्म योग अच्छा है, और दूसरा कि जो भगवान ने जिसके लिए कर्तव्य निर्धारित किए हैं उसे उसे निभाना चाहिए। जी प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण, आपने समस्याओं का मेरा समाधान करा, शुक्रिया प्रभु जी। ये सब भगवान के शब्द है, खाली हम भगवत गीता बार बार पढ़ेंगे तो हमारी सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, खाली हमें पढ़ना है उसे, और हम देखेंगे कि हमारी हर समस्याओं का समाधान भगवान ने खुद किया है। जी एक बात और जानना चाहता हूं, भगवान से भक्ति तो मांगनी ही चाहिए, कृष्ण भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए, मगर जो हमारी कोई भौतिक इच्छाएं हैं, हम उसके मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए हम किसके पास जाएं, मतलब हम भगवान कहते हैं मेरे भक्तों का मैं ध्यान देता हूं, है ना, भगवान खुद उनके ध्यान देते हैं ना, जो उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं और जो नहीं है उसे प्रदान करते हैं, तो भगवान कहते हैं डरो मत, हमें डरना नहीं है प्रभु जी, हम डर रहे हैं ना, अहम तम सर पापे भी मोक्ष इच्छामि मा सुजा, तुम बिल्कुल मत डरो, है ना, मेरे पास आ जाओ, तो हमें ये डर है कि हम भगवान के पास जाएंगे तो हम क्या होगा, हम खाना कैसे खाएंगे, हम बच्चों का पास, ऐसा नहीं करना है, भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त है उसका मैं ध्यान देता हूँ और पर्सनली ध्यान देता हूँ, है ना, हमने देखा था ना वो श्लोक जिसमें LIC वाला श्लोक था, उसमें क्या कहते हैं कि मैं पर्सनली ध्यान देता हूँ, हमने उदाहरण भी लिया था कि किस तरीके से भगवान खुद आते हैं खाना देने के लिए, तो हमें चिंता नहीं करनी, हमें डरना नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं डरो मत और मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वचा अहम त्वम सर पापे पे मोक्ष इच्छामि मा सुचा। देखिए हमारे गुजरात में
एक यहाँ नरसी मेहता हुए, शायद आपने नाम सुना हो, मुझे पता नहीं, उनकी कथा बहुत सुनाई जाती है कथाओं में, व्रतों वगैरह में, और वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और बस दिन रात भक्ति में डूबे रहते थे, कुछ और मतलब कुछ था ही नहीं, कोई दूसरा काम नहीं था उनको। तो उनको उनकी एक बेटी जी कई साल पहले शादी कर दी थी, तो उनको भात का कुछ न्योता आया था उनकी बेटी की तरफ से, और उनको वो ससुराल वाले जानते थे कि उनके पास तो कुछ है, तो बिल्कुल फकीर आदमी, कुछ है ही नहीं कुछ। तो उन्होंने उसको नरसिंह मेहता को न्योता दिया कि हमारे घर आइए, बेटी को भात दीजिए। अभी नरसिंह मेहता ने तो सब भगवान पे छोड़ दिया कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। तो भगवान उनके पुत्र बन के गए वहां पे, और ससुराल वालों को ऐसा कथा वाले कहते हैं, हकीकत में मालूम नहीं क्या है, सैकड़ों गाड़ियां जो पता नहीं कितने सामानों से भरी हुई, कोई कपड़ों से भरी हुई, खाने पीने के सामान से भरी हुई, वो वहां पर लेकर के गए। और ससुराल सोचने के तो फकीर आदमी है, इसके पास एक दमड़ी नहीं होती, ये कहाँ से इतना सामान लेकर के आ गया, इतनी सैकड़ों बैलगाड़ियां सामान से भरी हुई और गिनती खत्म नहीं हो रही, मतलब ऐसा कभी देखा ही नहीं था। तो वो सबको बहुत हैरानी, और वो खुद नरसिंह मेहता भी हैरान थे, देखो सब कहाँ से आ गया। तो वो सब भगवान ने उनको दिया था, मतलब उनकी भगवान पे उनकी कृपा, भगवान की उन पर कृपा जरूरत पड़ी। लेकिन प्रभु जी एक बात और भी थी जो मैंने उनकी कहानी पढ़ी थी, कि उनका जो पुत्र था नरसिंह मेहता का, वो बहुत ही युवा अवस्था में मर गया। यानी नरसिंह मेहता भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनका पुत्र जो है फिर भी वो युवा अवस्था में गुजर गया। तो मैं जब कहानी पढ़ा था, तो ये गीता प्रेस गोरखपुर में आती थी कहानी, तो उसमें उन्होंने ऐसा लिखा कि नरसिंह मेहता ने इसको भगवान का बहुत बड़ी कृपा समझी पुत्र बनाने को। तो मैं समझने लगा इसमें क्या कृपा है, तो उन्होंने लिखा कि ये भी एक झंझट खत्म हो गया जीवन का, मुझे पुत्र का ध्यान रखना पड़ता है, ये सब करना पड़ता, उसे भी मुक्त हो गया, भगवान ने अभी मेरे को पूर्णतः अपने में मिला लिया है। तो ये इससे आप क्या समझते हैं कुछ थोड़ा मेरे को? नहीं प्रभु जी, हम भौतिक नजर से देखते हैं, पर जो भक्त होते हैं ना, वो हर प्रतिकूल स्थिति को, नारद मुनि की भी कहानी आती है ना, उनकी माँ मर गई थी, बहुत छोटे थे वो, उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया क्योंकि उसी कारण वो ब्राह्मणों के साथ रह पाए और भगवान के दर्शन कर पाए। तो हमारे हमारे जीवन में प्रतिकूल और अनुकूल जो स्थितियां, हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। पुत्र मर गया, आप सोचेंगे युवा पुत्र मर गया, पर आप खाली हो सकता है वो 20 साल की पिक्चर देख रहे हैं, पूरी पिक्चर आपने नहीं देखी है, आप उसके पिछले जन्म को नहीं जानते हैं। हो सकता है कि उसने 20 साल जो एक भक्त के घर में जन्म लिया है, वही उसका उद्धार हो सकता है पिछले जन्म में उसने बहुत ज्यादा गलत काम करके, तो हमें नहीं पता प्रभु जी, हमारी दृष्टि नहीं है, हमारे अंदर चार दोष पाए जाते हैं, हमें पता है, तो हम नहीं जान सकते हैं चीजों को। और भक्तों के जीवन में जो भी होता है, सुदामा है ना, सुदामा के भगवान ने चरण धोए, पर अगर आप बोले कि ये क्या था, इतना बड़ा भक्त था, गरीबी थी, चावल नहीं था उसके पास खाने के लिए, एक दाना चावल चार लोग खाते थे मिलके, पर भगवान के भक्त जो होते हैं वो हर परिस्थिति को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो अपने धाम बुलाने के लिए पूरी तरह को शुद्ध करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से उनसे शरणागत हैं कि नहीं है, या आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जब आप पूरी तरह शरणागत होते हैं तो भगवान आपका पूरा ध्यान रखते हैं, पर्सनली ध्यान रखते हैं प्रभु जी। तो हमें अपने मन से डर को हटाना है और भगवान पे पूरी तरह शरणागति रखनी है प्रभु जी, ठीक है? धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। उदय वर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। कई दिनों से ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा था, जब हम आपके साथ माला करते हैं ना, तो आपका जल्दी खत्म हो जाता है, हमारा साथ बाकी रह जाता है। जी 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 प्रभु जी, मैं मुझे क्षमा करें, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो मेरी गलती है कि मैं वो स्पीड नहीं पकड़ पाया। नहीं नहीं, आप अपने स्पीड से करिए प्रभु जी। मैं तो हमको वो पूरा करना चाहिए ना माला, 108 जो दाने हो तो पूरा करना चाहिए ना। हाँ हाँ, पूरा करना चाहिए। अगर बीच में छूट भी जाती है तो आप उस माला को गिनती ना करें, आप फिर दोबारा कर लें। अच्छा, मान लीजिए आप और बीच में कहीं छूट गई कारणवश, तो गिनती नहीं करें, भगवान का नाम आपने लिया बहुत अच्छी बात, अब दोबारा आप सोचें कि मेरी माला नहीं हुई है, अब आप दोबारा एक माला कर लें। अच्छा जी, जी अच्छा जी। दूसरा ये प्रश्न है कि क्या ये माला से ही भगवान का नाम लेना जरूरी है, कि हम ऐसे ही जब भी गारस जीवन में है तो जब भी टाइम मिले हम जपते रहे वो मंत्र महामंत्र? जब भी आप जपें, हर समय जपें, और भक्त कहते हैं कि सोने से पहले वो माला करते हैं, तो नींद में भी वो जपते रहते हैं, तो इस तरीके की चेतना हो जाती है। पर माला का मतलब है प्रभु जी कि जो आपने नियम ले रखे हैं उसको माला पे करें, उससे क्या है आपकी त्रुटियां नहीं होंगी, है ना, आपको पता है कि आप काउंटिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, आपके हाथ यानी स्पर्श, अपनी जितनी ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां आपकी भगवान की सेवा में लगेंगी। तो जो नियम वाली माला है वो माला में करें और दिन भर जप करते रहे प्रभु जी, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। जी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। माता जी, और कोई प्रश्न अभी नहीं है ना, तो हम क्लास को खत्म कर सकते हैं। जी जी प्रभु जी।
ठीक है, तो आप सब बने रहे, आपने देखा आज नामनिष्ठ प्रभु आए थे, तो नामनिष्ठ प्रभु ने अपनी पूरी जिंदगी जो है मंदिर की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा दी। और आप जानते हैं 30 साल से वो बच्चों को पढ़ा रहे थे कॉलेज में जाके, और उन्होंने इतना ज्यादा प्रचार प्रसार किया, 6.5 से 7 लाख लोग पूरे विश्व में इस ऑनलाइन कोर्स को कर चुके हैं और अपने जीवन में परिवर्तन देख चुके हैं। पर उन्होंने इतना निस्वार्थ सेवा करी, पूरे कोर्स को फ्री किया हमेशा, एक पैसा भी नहीं लिया किसी से, और इसलिए आज तक मंदिर भी नहीं बन पाया है ना। अभी जो मंदिर है वो एक भाड़े के फ्लैट में है, उसमें अर्श वगैरह रखे, तो अब वो मंदिर बनवा रहे हैं। तो प्रभु जी ने तो अपनी पूरी जिंदगी मंदिर को भगवान के नाम सौंप दी। हम इतना नहीं कर सकते, पर हम ये कर सकते हैं कि एक शुद्ध वैष्णव, एक शुद्ध भक्त की हम सहायता कर सकते हैं, तो हमें जितना हो सके हमें अपनी सहायता करनी चाहिए, जिस जो जैसे सक्षम है, है ना, क्योंकि ये भगवान की सेवा है। और जब मंदिर बनते हैं तो क्या होता है, तब ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रीचिंग होती है, लोग भगवद गीता का ज्ञान लेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, प्रसाद खाएंगे, है ना, वहां पे बहुत कुछ है। तो आपकी सहायता से दूसरे लोग भी जुड़ेंगे, और भगवान हम देखेंगे कल के 18वें अध्याय में कहते हैं कि वो लोग मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है जो हमारी इस चर्चा को, यानी अर्जुन और कृष्ण की चर्चा को दूसरों से कहते हैं, तो वो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। तो किसी बहाने अगर हमारे हमारे चलते कोई भक्ति से जुड़ता है उसकी, तो उसे आपको जरूर करना चाहिए, उस मौके को हमें खोना नहीं चाहिए। तो आप भी अपनी सहायता जरूर करें मंदिर बनवाने में, यथा यथा सक्षम, जितनी हमारे क्षमता है उतना करें, पर जुड़े जरूर। और प्रभु जी हमेशा सबको वहाँ पे इनवाइट करते हैं, तो अगर आप कभी भी मैंगलोर जाते हैं तो प्रभु जी गेस्ट हाउस है वहाँ पे कुछ, आप उसमें हमेशा रुक सकते हैं, मंगल आरती देख सकते हैं, प्रभु जी से बात कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि प्रभु जी के जीवन में कृष्ण को छोड़ के और कुछ भी नहीं है। प्रभु जी शायद हम आपसे, मेरे से, आप सबसे बहुत ही ज्यादा अच्छा और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिता सकते हैं। प्रभु जी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप समझ सकते हैं, उनका IIT कानपुर में जब हुआ तो उन्होंने मेडिकल भी निकाला था, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों एक साथ उन्होंने निकाली थी, है ना, तो FMS जो कहते हैं ना, तो उन्होंने फिर इंजीनियरिंग की इच्छा व्यक्त की। प्रभु जी बहुत ज्यादा ब्राइट और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, अगर वो भौतिक जिंदगी में प्रगति चाहते तो हम सबको लाखों गुना पीछे छोड़ सकते थे, पर उन्होंने सत्य का दर्शन किया, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा में ही लगा दिया। तो हमें भगवान की सहायता करनी चाहिए। तो अगर इस विषय में अगर आपको, आप इसको बेंगलुरु के वेबसाइट पर जा सकते हैं, तो उसमें आपको सब आपको आपको सारी डिटेल मिल जाएंगे। मैं चैट में यहाँ पे भक्ति जी, आप इस्कॉन बेंगलुरु की वेबसाइट का एड्रेस भी डाल सकते हैं, तो जब माता जी को कहेंगे, प्रशांत माता जी को, तो वो डाल देंगे। ओ प्रभु जी, अभी चैट में डालना है कि ग्रुप में? तो आप, मैं डाल देता हूँ iskonbengaluru.com, तो आप दोनों में, ग्रुप में भी डाल सकते हैं माता जी। जी जी, मैं चैट में भी डाल देता हूँ। तो आप इस चैट, इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आप सारी डिटेल्स इस मंदिर के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम क्लास यही खत्म करेंगे, फिर हम अपने आखिरी अध्याय के लिए कल मिलेंगे। कल का अध्याय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भगवान यहाँ पे अर्जुन को सब कुछ बताएंगे, फिर लास्ट में कहेंगे कि अर्जुन जैसी तुम्हारी इच्छा तुम ऐसा करो, तो इसमें हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा और हमें कैसे अपने जीवन में पूरे भगवद्गीता के ज्ञान को उतारना है, उस भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, आप सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण।